हेलो दोस्तों, सीजीजाब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति में शिक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। जी हां साथियों, 736 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पूरे विस्तार से मैं इस पर बात करूँगा। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नवोदय विद्यालय समिति जो कि भारत सरकार की है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जॉब है जो कि NVS के नाम से फेमस है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, देख पा रहे होंगे। तो टीचर के पदों पर यहाँ वैकेंसी निकली हुई है और टीचर में आपका देख सकते हो, टीचर में अलग अलग जो है विषयवार पदों पर वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले मैं विषयवार पदों की डिटेल्स की बात कर लूं, तो देखिए यहां आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें प्रिंसिपल के टोटल 39 पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के 141 पद पर वैकेंसी आई हुई है। PGT इंग्लिश के कुल 75 पद हैं, PGT हिंदी के 79 पद हैं, PGT मैथ्स के 54 पद हैं, PGT बायोलॉजी के 61 पद हैं, केमिस्ट्री के 61 पद हैं, फिजिक्स के 97 पद हैं, PGT में ही आपके हिस्ट्री के 41 पद हैं और PGT जियोग्राफी के 38 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन में 23 पद हैं। इसके अलावा PGT आपका और अन्य जो लैंग्वेज है जैसे बांग्ला, तमिल इत्यादि, तो इन विषयों के भी जो है पद यहाँ पर आए हुए हैं। तो तमाम पदों की बात करें तो टोटल नंबर आप पोस्ट मैंने बताया 736 प्लस पदों पर वैकेंसी जो है निकली हुई है। और इसके लिए जो है अलग अलग हम योग्यता की बात करें तो योग्यता से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल साइट से मिलेगी। मैं टेलीग्राम में इसका ग्रुप PDF डिटेल्स भी डाल दूंगा, आप वहां से देख पाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, रिटर्न एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। तो जो भी साथी इच्छुक हैं इसके लिए, पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम मार्क्स जैसे प्रिंसिपल की यहाँ आपको दिया हुआ है, 150 अंकों का प्रश्न रहेगा, 2.5 घंटे का प्रश्न रहेगा, जिसमें लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश प्लस हिंदी 15-15 नंबर के, साथ साथ एकेडमिक रेसिडेंटल बहुत सारे जो और है जैसे चाइल्ड पेडागोजी सेक्शन है और इन तमाम सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। ये एक सिलेबस है साथियों और सभी का लगभग आपका 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 2.5 घंटे का ये प्रश्न पत्र रहेगा। और जो भी साथी इच्छुक हैं भाई वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बात होती है योग्यता की कि सर कौन से पदों के लिए क्या योग्यता होती है, तो मैं आपको बता दूँ। जैसे प्रिंसिपल की बात करें यहाँ पर, तो प्रिंसिपल के लिए जो है आपका यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखाई दे रहा है। BEd की डिग्री होनी चाहिए, PG होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर PGT के पद के लिए आपका जो योग्यता है वह संबंधित विषय में PG प्लस BEd की डिग्री आपके पास होनी आवश्यक है, ठीक है। इस तरह तमाम योग्यताएं पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर, आप जा करके विजिट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको हम NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो NTA के माध्यम से आपके नवोदय विद्यालय में जो शिक्षक की भर्ती है वो लिया जाएगा। तो NTA द्वारा आवेदन भी मंगाया जा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, देखिए 27 मई की ये पब्लिक नोटिस है। ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म LDD। देखिए नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से जो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल जितने भी पद आए हुए हैं, तमाम पदों के लिए आवेदन की तिथि यहां पर आपको दिख रही है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 27 मई 2024 से शुरू हो चुकी है और 10 जून 2024 तक आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है। अर्थात 27 मई से 10 जून तक आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन से संबंधित अन्य तमाम जानकारी को लिए आप जो है NTA के साइट से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप नवोदय विद्यालय समिति पर आकर भी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बढ़िया अवसर है मेरे दोस्तों, 736 पदों पर नवोदय विद्यालय समिति में शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। जो भी साथी इच्छुक है नवोदय विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालयों में यदि आप शिक्षक बनने का सपना रखते हैं सब और इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।